हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और आ गई हूँ मैं अपने बालकनी में और देख सकते हैं इधर कितना धूप है। तो थोड़ा सा पानी इधर रख देते हैं कौवा को पीने के लिए या फिर कोई भी पंछी जो आता है वो यहाँ पे पी सके। और इधर एक गमला हमने लगाया है, इसमें एक फूल का पौधा है, लत्तर वाला पौधा है जो काफ़ी फैला हुआ है था, लेकिन दूसरे घर से यहाँ पे आने में वो थोड़ा टूट गया है। तो थोड़ा इसमें पानी डाल देते हैं क्योंकि देख सकते हैं आप कितना कड़ा धूप है और अभी गर्मी तो इधर बहुत हो रही है। तो फ्रेंड्स, बालकनी में जो है पानी डालकर आ गए हैं किचन में और देख सकते हैं किचन पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। बच्चे लोगों को स्कूल हमने भेज दिया है और तो अभी जो काम पड़ा हुआ है उसको जल्दी जल्दी से किचन का निपटाना होगा, क्योंकि अभी तक जो है हम लोग का फ़ैन नहीं लगा था तो फ़ैन लगाने का काम जो है वो बाकी रह गया था। और देखिए आर ओ जो है हमने लगवा लिया है और किचन देख सकते हैं अभी तक पूरा सेटल हुआ नहीं है। धीरे धीरे जो है सारा काम करेंगे क्योंकि एक ही दिन में होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी जल्दी से पूरे पहले बर्तन की जो है सफाई करते हैं पहले, और बहुत सारा बर्तन जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है तो जल्दी से हम लोग अभी इधर सफाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए इधर किचन जो है लगभग हमने साफ़ कर दिया है और जो बर्तन जो बहुत सारा बर्तन जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वो भी बहुत दिन से पड़ा हुआ था, मतलब कभी कभी यूज होता है, तो उसकी भी सफाई कर ली है। धीरे धीरे सारा बर्तन जो है साफ़ करेंगे क्योंकि एक दिन में होता नहीं है और जो काम जो है सोच के रखते हैं वो तो और नहीं होता है, तो जब टाइम मिलता है तब हम कर लेते हैं। और इधर किचन तो देखिए पूरा साफ़ कर लिए हैं और ये पानी का जो है टैंक है, पानी का डब्बा है, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर ओ लग चुका है, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत थी। दो तीन दिन पहले तक पानी नहीं था तो अभी इसमें पानी जो है ख़त्म हो गया, लेकिन एक डब्बा पानी है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और उस पानी को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो लेकिन अंदर जो है हल्का सा गंदा हो गया था तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और इसमें पानी जो बचा हुआ है वो इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी किचन का काम जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है इधर, और इधर हम लोग झाड़ू जो है वो घर में थोड़ा सा लगा लेते हैं। और अभी फ्रेंड्स बहुत दिनों से सोच रहे थे भरवा करेला बनाने का, क्योंकि बहुत दिनों से बनाए नहीं हैं और इसको उबाल के रख लिए थे किचन में, मतलब फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि कुछ मसाले की कमी थी, क्योंकि मसाला कुछ मिल नहीं रहा था अभी जो घर मतलब इधर उधर है, तो अभी मिल गया है तो इसको अभी बना लेते हैं। उसके बाद भरवा करेला बनाने के बाद फैन लगाने वाला आएगा तो उसको जो है देखना होता है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स अभी जो है करेला सब्जी उधर बनाएंगे और इधर जो है फ़ैन लगाने वाला अपना काम करेगा। देखिए एक फ़ैन लगा दिया है और एक एक करके सारा फ़ैन जो है लगाएगा। और इधर देखिए पूरा सामान अभी तक बिखरा हुआ ही है, ये देखिए न्यू फ़ैन है वो कस दिया है और एक एक करके सारा फ़ैन सारे कमरे में वो लोग लगा रहा है। और देखिए चेक कर रहे हैं, अभी लास्ट में सबसे पहले बार एक बार चेक कर लेंगे। और देखिए इस तरह से हमने अरेंज कर दिया, अभी टेम्प्रोरी है ये, पर्दा वर्दा लगा दिए हैं। और इधर देखिए इधर दूसरे कमरे में जो है वो लगा लेता है फ़ैन, तो वो खुद अपने अरेंज कर लेता है, अपने हिसाब से लगा देता है। तो देखिए ये फ़ैन है जो बिल्कुल न्यू है और ये VLDC फ़ैन है, बिल्कुल रिमोट से चलता है। और ये कैसे चलता है वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। अभी जो है अभी मतलब एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा फ़ैन चल रहा है कौन सा फ़ैन नहीं चल रहा है, नहीं तो फिर बहुत सारा स्विच जो है घर में ख़राब है तो सारे फ़ैन को पहले लगवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सारा फ़ैन जो हमारा लग चुका है और अभी स्टार्ट करते हैं इस कमरे से। टोटल जो है हम लोगों का 5 फ़ैन लगा है, मतलब 5 फ़ैन, पहले तो स्टैंड फ़ैन से ही हम लोग काम चला रहे थे, तो ये फ़ैन जो है देखिए बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और ये पुराना फ़ैन है, मतलब पहले दूसरे घर में लगा हुआ था वही फ़ैन है। और यहाँ पे लाइट वगैरह भी देखिए सारा काम कर रहा है, बहुत सारा स्विच जो है इस घर में ऐसा था जो काम नहीं करता था। तो अभी फ़ैन को टेस्ट कर लिए हैं तो रख देते हैं। और इधर देखिए इसमें भी पुराना पर्दा ही अभी लगा दिए हैं टेम्प्रोरी में, जब आएगा तो लगाएंगे। और दोस्तों ये हॉल है हम लोगों का जहाँ पे टीवी लगा हुआ है, और ये भी फ़ैन लगा है जो पुराना फ़ैन है, मतलब ये हाउस ओनर का फ़ैन है, एक लगा हुआ था लेकिन ये पुराना है और बहुत आवाज़ भी करता है। तो देखते हैं अगर ठीक नहीं होगा तो यहाँ पर दूसरा फ़ैन जो है लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा आवाज़ करता है, पूरे घर को डिस्टर्ब करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी फ़ैन की होती है क्योंकि जहाँ टीवी लगा रहता है वहीं पे लोग का बैठका ज़्यादा होता है। तो देखिए स्पीड ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ये साउंड करता है। तो देखिए ये फ़ैन जो है लग गया है, तो इसको अभी ऑफ कर लेते हैं, ये भी काम कर रहा है लेकिन हड़ा हड़ा आवाज़ करता है। और ये किचन है दोस्तों,
और इधर एक डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, उसके ऊपर एक फ़ैन लगवा दी है। ये भी पुराना ही पंखा है, लेकिन इसका जो है हम लोग कैपेसिटर जो है वो चेंज करवा दिए हैं, तो इसका स्पीड जो है वो बढ़ गया है। और अभी जो है देखिए यहाँ पे फ़ैन का जो पहले इसका स्पीड स्लो था, अभी ये फास्ट हो गया है। और इधर लाइट वगैरह भी लगा हुआ है, तो ये फ़ैन भी काम कर रहा है और स्पीड भी इसकी अच्छी खासी हो गई है। और थोड़ा सा पैसा लगा, लेकिन स्पीड जो है इसका बढ़ गया है। तो ये है किचन का फ़ैन। और अभी चलते हैं दूसरे रूम में, वहाँ का भी फ़ैन एक बार चेक कर लेते हैं। और ये रूम है जहाँ पे हमने एसी लगवाया था, और उसी में ये वीएलडीसी फ़ैन है जो भी हमने लगा है। ये बिल्कुल नया फ़ैन है, अभी मतलब देख सकते हैं प्लास्टिक का कवर लगा हुआ ही है, अभी जस्ट खुलकर ये लगा है। और इसका डायना भी देख सकते हैं, थोड़ा लंबा लंबा है, शेप भी इसका छोटा सा है। तो ये रिमोट से काम करता है, इस तरह से काम करता है बताती हूँ। ये देखिए रिमोट है, और ये रिमोट पे आप देख सकते हैं जिस तरह से टीवी का 1 2 3 4 5 चारों लिखा हुआ है, ऑफ करने का भी है। तो जैसे आप 4 नंबर बटन दबाएंगे तो पूरा स्पीड इसका ऑटोमेटिक 4 पे हो जाएगा, 3 दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे एलईडी लाइट जल रहा है, उसको 3 मतलब वो सिग्नल ले रहा है। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, तो 3 दबाते हैं तो 3 देखते हैं, 3 एलईडी लाइट जलता है, फिर 2 दबाएंगे तो 2 जलेगा, ऑफ़ करना है तो रेड बटन दबाइए, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो ये वीएलडीसी फ़ैन है, पावर भी ये कम कंज्यूम करता है, इसीलिए इसे लगाया गया है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, और देखिए अभी फुल स्पीड पे कितना जो है फास्ट घूम रहा है। और ये दोस्तों एक कमरा है जिसमें बिल्कुल नया फ़ैन, ये भी अभी तो ला कर ही लगाए हैं, देख सकते हैं इसकी चमक, और इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है, ठीक है। तो सारा फ़ैन हम लोगों का लग गया और सारा काम कर रहा है। अब बहुत गर्मी थी, हम लोग स्टैंड फ़ैन से काम चला रहे थे, एक ही स्टैंड फ़ैन था, जहाँ जाते थे वहाँ लेकर जाते थे, और एसी तो लगा के गया है, लेकिन इतनी गर्मी है कि मतलब हर जगह फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स मेरा सारा फ़ैन लग गया है, घर की भी थोड़ी सफाई जो है वो हो गई है, लेकिन अभी घर अच्छे से अरेंज हुआ नहीं है, अभी अरेंज होने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, धीरे धीरे मैं कर रही हूँ जैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये देखिए इधर बाहर बालकनी है जिसमें जो कार्टून बचता है, जो निकलता है सामान, तो कार्टून को मैं इधर जमा करते जाती हूँ, एक दिन जो है आएगा लेने वाला जो कबाड़ी वाला, तो उसको मैं दे दूँगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।